बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज 5 जुलाई है 2023, बुध का काम दिन, बुध हर काम सुध, 17 जिलहजा, 21 हाड़, यानी आखिरी 9 दिन रह गए हाड़ के, उसके बाद भादों शुरू हो जाएगा और -4 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव। आज की नेगेटिविटी चले अपनी जगह, मगर आज की जो पॉजिटिविटी है वो आपको बता दें कि हमारे IPPs हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट्स मिली हैं और इन पेमेंट्स की वजह से IPPs बुल रन में आई है। उसका अब हम नेट इम्पैक्ट बता रहे हैं। हापको को 14% शेयर मिला है, EPQL को 3% शेयर मिला है, कैपको को 5% शेयर मिला है और NCPL को 4.5% शेयर और NPL को 5.5% शेयर। इसकी वजह से इन सब की जो शेयर्स है ना वो अपर सर्किट ब्रेकर पर आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं हापको। हापको का शेयर आज 77 रुपये 28 पैसे बंद हुआ और 15 पैसे ये पहुँचते था, मगर इसने जो हाई लगाया वो 80 रुपये 20 पैसे, पर बाद में मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से ये नीचे आ गया। तो हापको को मेजर शेयर मिला। हापको के बाद जो एंग्रो EPQL वो 24 रुपये 88 पैसे, 1 रुपये 12 पैसे पॉजिटिव हो गया और हाई इसने 25 रुपये 18 पैसे मिला, इसको भी काफ़ी ज़्यादा शेयर मिल गया। सेफ पावर 19.59, ये भी हाई लगा के 19.59 पर ही बंद हुआ, इसके मतलब सेफ अपने अपे सर्किट ब्रेकर पर था 1.37। सबसे ज़्यादा जो आज गर्मी आई है वो कैपको में आई है, वो 22 रुपये 52 पैसे पे, इसको काफ़ी ऊपर जो हाई लगा 22 रुपये 52 पे और इसी पे बंद हुआ है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से कल ये 23 रुपये क्रॉस कर जाना चाहिए और उसके बाद आपका भाईजान आ रहा है निशाद चूनिया, ये भी माशाल्लाह 1 रुपये 19 पैसे प्लस है, 18 रुपये 92 पैसे पे बंद हुआ, हाई लगाया 19 रुपये 6 पैसे, इसके मतलब अपर लॉक पे लग के ये वापस आया। और इसके बाद आपको ये कहना था कि सारे जो है IPPs ऊपर चले गए हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गर्मा गर्मी थी। मेरा जो फेवरेट पिक है वो इसमें सैफ पावर है। सैफ पावर अभी भी जो है 19 रुपये 60 पैसे 59 पैसे के करीब के रहा है और मेरे ख्याल है इस लेवल पे भी इसमें एंट्री बनती है, बाकी सब ऊपर चले गए। तो अब ये जो आपको एडवाइस करना था कि अभी बेहतरीन टाइम है डे ट्रेडिंग का, इसमें माल खरीदना और बेचना उसी दिन में, ये नहीं कि आप माल को झपीट करके बैठ जाएँ तो फिर आपको नुकसान हो जाए। तो प्लीज़ खुदा रहा सुबह माल खरीदें, पोजीशन ले और 1 बजे करीब अपनी पोजीशन क्लियर कर दें। और इन सब का जो फिजिकल ईयर जून है और जून के बाद ये अगस्त सितंबर में फिर डिविडेंड देंगे, तो इंशाल्लाह ताला सबसे अच्छी उम्मीद है और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है निशाद चूनिया से और निशाद पावर से। उसके बाद मेरी उसके बाद उम्मीद आ रही है वो सैफ पावर से। कैपको का मैं कुछ कह नहीं सकता, कैपको का प्लांट अभी तक बंद है, अभी पता नहीं उनको पावर टैरिफ डिटरमिन हुआ कि नहीं। बहरहाल कैपको भी जुलाई के एंड तक चल पड़ेगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे। आपके दमखम से हमारा चैनल चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। वस्सलात वस्सलाम खातमुन नबी।